क्या बताएंगे कौन सी चैंपियनशिप थी, आप लोग कहाँ खेलने गए थे और कब यहाँ कुरुक्षेत्र पहुँचे? ये कॉम्बैट जुजुत्सु एशियन चैंपियनशिप होने हुई थी, ये उज्बेकिस्तान में बुखारा में हुई थी। तो हम इंडिया टीम से गए थे, इंडिया टीम से 16 बच्चे गए थे, फाइटर गए थे, जिसमें से 5 मेरी एकेडमी से गए थे मेरे समेत, और पूरे 16 में से सब मेडल्स लेके आए हैं, और जिसमें से 2 गोल्ड आए हैं जो मेरा और मेरे बेटे का मेरी एकेडमी से है। और हम हरियाणा से 2 और 2 4 बच्चे और गए थे, 9 टोटल गए थे, 2 गुड़गांव से थे और 2 करनाल के साइड एक गाँव से थे। तो हम वहाँ पर हमारी 4 गेम्स हुई थी, जिसमें पहली गेम थी सेल्फ डिफेंस, दूसरी फुल कॉम्बैक्ट, तीसरी क्लोज कॉम्बैक्ट, चौथी ग्राउंड गेम। हमारे बच्चों ने 2 और 3 गेमों में भाग लिया, मैंने खुद 3 गेमों में भाग लिया। तो 1 गेम में मेरा गोल्ड आया और 2 में मेरा सिल्वर आया। तो ऐसे ही बिशपदीप सिंह का गोल्ड आया, विक्रमजीत सिंह का ब्राउन मेडल आया, गुरशरण कौर का सिल्वर मेडल आया क्लोज कॉम्बैक्ट में, और भगत सिंह का सिल्वर एंड ब्राउन मेडल क्लोज और फुल कॉम्बैक्ट में भगत सिंह का। आपके कितने खिलाड़ी गए थे? हमारे एकेडमी से स्टीलमैन एकेडमी जो हमारी है, हमारे मेरे स्टूडेंट 4 और 1 मैं गया था, 5 जने गए थे। तो पूरे हरियाणा से बात की जाए या इंडिया से? तो हरियाणा से 9 गए थे, पूरे इंडिया से 16% गए थे, 16 प्लेयर गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने इंडिया का फ्लैग लहराया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वहाँ पर 10 कंट्री आई थी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान से आया था, जापान से आया था, मंगोलिया से आया था, रशिया से आए थे, वैसे 10 कंट्रियाँ थी, इसमें हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गेम बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल गेम है, क्योंकि ब्राज़ील गेम है, और मतलब जुजुत्सु होता है इसमें, जूडो की तरह है, टेक डाउन होते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट है। इसका ये फ़ायदा है कि हम एक टाइम जाके 4-4 गेम खेल सकते हैं। मान लो एक गेम में हमारा मेडल नहीं आया तो हम दूसरा ट्राई कर सकते हैं। तो हम 4 गेमों की तैयारी करके गए थे। और ये भी बताना चाहता हूँ कि इस गेम में जितने भी कंट्री आए थे उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। अगर कोई गोल्ड जीत के आता है तो उनको कैश मनी उनकी गवर्नमेंट देती है, उनके जो सरकारी अहदे उनको मिलते हैं, जैसे आर्मी में, क्योंकि फिट बंदों को ही हर कंट्री लेती है, प्लेयर्स को। कोई भी तरह की गेम हो जिसमें हमारा इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है या कोई कंट्री रिप्रेजेंट हो रही है, तो उस कंट्री के उसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उसको जरूर जॉब मिलती है या फैसिलिटी मिलती है। तो हमारे इंडिया में ये नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को रिप्रेजेंट इंटरनेशनल लेवल पर किया। और स्वागत किया, अभिनंदन किया। हाँ, मैं वो स्वागत की बात चाहता हूँ, मैं कल ही आया हूँ, और कल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें आते ही गुरुद्वारे में सम्मानित किया और आगे वादा किया कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। फिर हम आज आए थे, गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पर्व है कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में अजराणा जी जो हैं, कंवलजीत सिंह अजराणा जी हरियाणा कमेटी से, उन्होंने हम पता हमारी न्यूज़ के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा अभी आप गुरु गुरुद्वारे गुरुपुर पे आओ, हम आपको सम्मानित कराएंगे। आज उन्होंने सम्मानित किया और बहुत अच्छा लगा। सरकार की तरफ से कोई आया? सरकार की तरफ से कभी कोई आज तक नहीं आया, क्योंकि इतने मैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को नाम चमका चुका हूँ, पता नहीं कितनी गेम्स में, और अभी मैं 42 साल का हूँ और फिर भी मैंने मास्टर में खेला और अपने इंडिया के लिए लड़ा। गेम क्या होती है गेम के बारे? सर ये मार्शल आर्ट होता है, रियल फाइट होती है, जैसे किक पंच मार के गिरना होता है। दूसरा ग्राउंड गेम होती है, जैसे हमारी जुडो होती है वैसे सेम थिंग होती है, चौक वॉक लगानी होती है ताकि चौक लगा के हम बंदे को हरा सके। तो एक होता है सेल्फ डिफेंस, जिसमें मेरा गोल्ड है, सेल्फ डिफेंस करके दिखाना होता है, फास्ट आपके ऊपर 4 लड़के प्रहार करेंगे 3 मिनट लगातार, तो आपने 3 मिनट के अंदर उसको गिरते रहना है, बचना है और उसको डैमेज करना है 3 मिनट लगा, जो जीतता है उसको गोल्ड। आगे की क्या तैयारी? आगे हम एशिया चैंपियनशिप जीत चुके हैं, हम मेडल आ चुके हैं, जिस चीज़ का मेडल आया वो वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में होने वाली है, तो वहाँ हम जाएंगे नवंबर में, उसके लिए हम रेडी हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं कॉम्बैट जुजुत्सु इंडिया एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, राजन जी का और उनकी मिसिस का, मैडम जी का, जो क्या कहाँ जा रही है गेम खेलने जाएंगे आपको? पोलैंड में जाएंगे। हाँ जी, नवंबर, नवंबर में जाना है, जो इंडिया एसोसिएशन है, मैं उनका धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने हमें चांस दिलाया और हम बहुत बड़ी गेम खेल के आए और अच्छा लगा, इंडिया को रिप्रेजेंट हमने वर्ल्ड लेवल किया और अपने सिक्खी को भी रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम सिख परिवार से हैं 5ों, और सिख समुदाय हमें बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम सरकार की तरफ से तो कभी मिला नहीं। अगर सरकारें हमें मदद कर दें तो हम पूरे अपने इलाके में नशों को दूर करके नौजवानों को इस तरफ डाल देंगे, वो हम चाहते हैं, कब से चाह रहे हैं, पर सरकारों की तरफ से 1 रुपए की मदद अभी तक नहीं मिली, और वैसे घोटालों में बहुत कुछ है, आप सब जानते हैं। केड़ी कंट्री चाहिए तुसी गए जी खेलन, केड़ी गेम खेल के आए हो, की मेडल है? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र तो बिलोंग करता हाँ। मैं पिछले ही मैं एशिया चैंपियनशिप खेलन गया हाँ बुखारा उज़्बेकिस्तान दे वेचे, जिते मैं ग्राउंड फाइट खेडी है, उस ग्राउंड फाइट दे वेचे मैनू ब्रोंज मैडल मिलया है। मैं 3 साल तो स्टील मैन सर के नाल जुड़िया हुआ ने, जिन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है, उन्होंने बदौलत ही मैं एशिया चैंपियनशिप खेड पाया, तो ब्रोंज मैडल हासिल। अगे यही मैडल, यही एम है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से जाऊँ तो गोल्ड मैडल प्राप्त करा। मेरा नाम गुरशरण है, पंजाब तो आनी है, तो
हरियाणा तो मैं ट्रेनिंग लेनी है अमनदीप सर तो, ते मैं हाल ही च उज़्बेकिस्तान गई हाँ, ते उस च मेरा सिल्वर मेडल आया, ते मैनू बड़ा अच्छा फील। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਖੇਲਣ ਗਏ ਸੀ? ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਬੁਖਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ 'ਚ? ਮੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੇਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਖੇਡਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਰੀਤੂ ਫਗਾੜ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਹੈ।